दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यदि आप ग्रुप सी एलपी टेक्नीशियन एग्जामिनेशन अटेंड किए हैं, एग्जामिनेशन दिए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। तो आपको जैसे पता है कि रेलवे ग्रुप सी एलपी टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन ख़त्म कर चुकी है, एग्जामिनेशन कम्प्लीटेड हो चुका है सीबीटी फर्स्ट एग्जामिनेशन में। तो एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद आपको करना क्या है, सो आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे, फीस रिफंड कैसे होगी और आपको कैसे चूज करना है सारे ग्रुप जो भी पोस्ट है, क्योंकि एग्जामिनेशन के बाद रेलवे ने पोस्ट चूज करने का ऑप्शन दिया है। आप किस रेलवे को चूज करना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे ने एलपी टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन कोई एरिया वाइज नहीं लिया था, कोई रेलवे वाइज नहीं लिया था, कॉमनली कंडक्ट करवाया था एग्जामिनेशन। तो हमारे वीडियो चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं न्यूज है क्या। तो आरआरबी एलपी टेक्नीशियन एग्जामिनेशन फी रिफंड, रेलवे भर्ती बोर्ड ने 9 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित हुए आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों की फीस रिफंड को लेकर नोटिस जारी किया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर उम्मीदवारों को अपनी बैंक अकाउंट डिटेल कंफर्म या बदलने का मौका दिया है। भर्ती बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस में कहा कि एप्लीकेशन फीस रिफंड उम्मीदवार तक सही तरह से पहुंच सके, इसके लिए भी सभी उम्मीदवार अपने बैंक अकाउंट डिटेल कन्फर्म कर लें। 1 अक्टूबर तक कन्फर्म करें अपने बैंक अकाउंट डिटेल, जो कि कट ऑफ डेट है दोस्तों। 1 अक्टूबर से पहले आपको अकाउंट डिटेल कन्फर्म करना है, नहीं तो आपका कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं होगा। अगर कोई उम्मीदवार अपने बैंक अकाउंट डिटेल को चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है। यदि आप अपने अकाउंट को चेंज कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आप मॉडिफाई पे क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक OTP आएगा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल में है, वहाँ पे OTP के बाद कंफर्म करने के बाद वो अकाउंट में रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद रेलवे भर्ती में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये और अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये एग्जामिनेशन फी रखी गई थी। रेलवे ने कहा था कि अगर उम्मीदवार परीक्षा देते हैं तो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उसकी पूरी फी यानी 250 रुपये वापस की जाएगी, जबकि अनारक्षित क्षेत्र के उम्मीदवारों को 500 रुपये के शुल्क में 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी घोषणा है। तो आप अभी तक कंफर्म नहीं किए हैं तो आप कंफर्म ज़रूर करें। और एक और वैकेंसी को, जैसे पता है कि आपको वैकेंसी डबल कर दी गई है एलपी टेक्नीशियन के लिए, तो आपको करना क्या है, आप यहाँ पे जाएँ और कोई भी रेलवे पे जाएँ। सपोज मैं आरआरबी रांची जाता हूँ, रांची पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो एक लिंक होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे राइट कॉर्नर में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हेयर टू अपडेट और डिटेल, ये आप सारे रेलवे में मिलेगा। आप यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्या करना क्या नहीं करना, आपको कंप्लीट इसको रीड करें। उसके बाद आपको हिंदी में इंस्ट्रक्शन समझ में आया तो इंस्ट्रक्शन टू हिंदी करें, हिंदी में इंस्ट्रक्शन पढ़ें जो पढ़ा है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करें, लॉगिन के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी कोड दिया जाएगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आप अपने आरआरबी को पहले कंफर्म करेंगे, उसके बाद आप पोस्ट को कंफर्म करेंगे। पोस्ट कंफर्म करने के बाद आपको वहाँ पे आएगा बैंक डिटेल कंफर्म करने के लिए। कंफर्म करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। और ये करना सारे स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है, तो ये करना ना भूलें, तो आप 1 तारीख से पहले ये सबमिट कर दें। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।